रिसेंट में हमने एक पोल पोस्ट करा था जिसके अंदर हमने आपसे पूछा था आप कौन से स्टॉक पे एनालिसिस चाहते हैं आईटी स्टॉक्स के अंदर। तो एक चॉइस आप लोगों ने हमें दी है टेक महिंद्रा। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं उसी स्टॉक के बारे में कि क्या ये स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सही पोजिशन पे आया हुआ है और रिसेंट के ईयर में इस स्टॉक के अंदर क्या हलचल बनी है। तो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे अगले 5 से 7 मिनट के अंदर और साथ ही आपको दिखाएंगे इसके कंपटीटर जितने भी स्टॉक हैं उनके अंदर रिसेंट ईयर्स में क्या एक्टिविटीज हुई हैं। तो जितने भी लोग हमसे फर्स्ट टाइम यहां से जुड़ रहे हैं हमसे रेगुलरली जुड़ सकते हैं आप स्टॉक के एनालिसिस के लिए, मार्केट एनालिसिस के लिए, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए और साथ ही साथ ढेरों स्ट्रेटेजीज के लिए सिंपली हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा के, और साथ ही साथ आप हमें फॉलो कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में हमारे टेलीग्राम चैनल पर जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी मैं स्क्रीन पे चलता हूं, एक एक चीजें टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे और कुछ हद तक फंडामेंटल भी कवर करेंगे ताकि आपका अगर मूड है इसमें इन्वेस्ट करने का तो आपका क्लियर हो जाए और साथ ही साथ अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड है तो भी आप अपनी पोजीशन को सही से बना सके। तो चलिए स्क्रीन पे चलते हैं सबसे पहले। तो अभी देखिए मैंने आपके सामने टेक महिंद्रा ऑलरेडी एड कर लिया है अपने ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। यहां पे देखिए अभी कॉस्ट क्या चल रहा है 1050। सबसे पहले मैं आपको इसके अंदर कुछ चीजें दिखा देता हूं फंडामेंटल के लिए ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ओवरव्यू स्टॉक का कैसे रहा। अगर हम वन मंथ के रिटर्न की बात करें तो 0.91% का पॉजिटिव रिटर्न है, ये अच्छी बात है। दूसरी चीज वन ईयर का रिटर्न -31.83% जो कि ऑलमोस्ट 31% से भी ज्यादा है जो कि अच्छा नहीं है। अब यहां पे हम पीई रेशो की बात करें 18.23 है एंड पीवी रेशो की बात करें तो ये भी 3.71 है। आगे मैं इसके बारे में भी डिस्कस करूंगा ये चीजें होती कैसे हैं और क्या ये इंपैक्ट डालती हैं। दूसरी चीज देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जो इन्वेस्टमेंट प्रोस्पेक्टिव से हम देखते हैं 52 वीक हाई एंड लो। 52 वीक्स हाई है 1831 एंड 52 वीक्स लो दैट मींस एक साल में सबसे लो पॉइंट कहां पे है 943। तो अभी स्टॉक कितना चल रहा है आपका 1050 दैट मींस 52 वीक्स के आसपास ही अभी स्टॉक घूम रहा है। तो इसके बाद कुछ और चीजें देखते हैं। चार्ट को देखने से पहले मैं आपको दिखाता हूं एक वेबसाइट को यूज करके जिसका नाम है टिकर टेप। आप भी इस वेबसाइट को यूज कर सकते हैं स्टॉक एनालिसिस के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा और इसका एक प्रो वर्जन भी है, हालांकि उसकी नीड नहीं है। इनकेस आप चाहते हैं आप वो भी बाय कर सकते हैं बट नॉट रिकमेंडेड। अब यहां पे आपको चीजें क्या देखनी है, बेसिक में देखिए क्या देख रहे हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू दैट मीन्स इसका जो आईबी है वो क्या है, बिल्कुल ठीक है। करंट प्राइस इज लेस देन द इंट्रिंसिक वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये सही टाइम है, ये ग्रीन सिग्नल दे रहा है। दूसरी चीज आरओई वर्सेस एफडी रेट दैट मींस अगर यहां पे आप इसको बाय करेंगे तो ये एफडी से बेहतर आपको रिटर्न देगा, ये रिसेंट में दे चुका है। तीसरी चीज है डिविडेंड रिटर्न, क्या इस स्टॉक के अंदर डिविडेंड है, तो बिल्कुल अच्छा है, वो भी है। एंट्री पॉइंट ये मैं आपको अलग से समझाऊंगा, तो यहां पे भी टिक है, इसका मैं रीजंस आपको दे दूंगा। रेड फ्लैग का मतलब है रिसेंट में कंपनी पे कोई रिस्ट्रिक्शन लगा है तो इसमें भी कोई चीज नहीं है, ये चीज आपको जरूर चेक करनी है जिस भी स्टॉक में आप एंट्री बनाने वाले हैं। अब यहां पर आते हैं, देखिए जो मैं पीई रेशो की बात कर रहा था यह है 18.23 एंड यहां पर डिविडेंड की बात कर रहे हैं 3.89% के आसपास का डिविडेंड भी मिला है। अब देखिए पीई रेशो सेक्टर का कितना चल रहा है, दैट मींस ये आईटी स्टॉक है ना, आईटी स्टॉक का जो पीई रेशो है वो 26.28 है, दैट मींस 25 से ज्यादा है, अभी भी वो कुछ एक स्टॉक ओवर बाइंग जोन में हो सकते हैं। अब यहां में देखिए आपको मैं वो चीज भी दिखा देता हूं कि इसके मेनली कॉम्पिटिटर है कौन कौन से। यहां पर देखिए सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर टीसीएस, पिछले एक साल का रिटर्न -4%, इंफोसिस पिछले एक साल का रिटर्न -10%, एचसीएल टेक्नोलॉजी पिछले एक साल का रिटर्न -1% और विप्रो -40%। अब आप देखिए ये क्यों है, ये इसलिए है कि अगर आप कोविड में देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्टॉक जो भागे थे
वो थे आईटी के स्टॉक्स। तो ये जो टाइम इसका है तो ये है सारे का सारा रिट्रेसमेंट के जोन का। यहां पे एक फीचर आपको मिल जाएगा मार्केट मूड, आपको क्या करना है मार्केट मूड पे जाना है। इससे क्या लगता है अभी मार्केट कहां है, ग्रीडी जोन में है, बट यहां से क्या हो सकता है फियर में आ सकता है। जितना फियर में आएगा उतना आप इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं, और जितना ये एक्सट्रीम ग्रीड में जाएगा उतना मार्केट के गिरने के चांसेस बन जाते हैं। तो ये ओवरऑल आइडिया आप यहां से ले सकते हैं। अब हम आते हैं एक्चुअल चार्ट में। चार्ट में देखिए, मैं सबसे पहले बात करता हूं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की, जिनके पास 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर का टाइम है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। देखिए ये मैं बात कर रहा था कोविड के बाद के रिट्रेसमेंट की। यहां पे देखिए ये कोविड का टाइम है, कोविड के बाद ये स्टॉक डायरेक्टली ऑलमोस्ट 450 से कहां पहुंचा था 1800 प्लस, कितना परसेंट, 400 प्लस से भी ज्यादा परसेंटेज का रिटर्न, कितने टाइम में, विद इन 1.5 ईयर्स। तो ये इतना ज्यादा जब रिटर्न देगा तो क्या ये रिट्रेस नहीं होगा, तो ये रिट्रेस होगा। अब हमें क्या देखना है, परफेक्ट टाइम। परफेक्ट टाइम कैसे देखते हैं, देखिए अब मैंने सारी चीजें आपको बता दी, स्टॉक में सारी चीजें फेवरेबल हैं, कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो ऑब्लिगेशन कर रही है या जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। हमें क्या करना है, सपोर्ट एंड अपना लेवल फाइंड आउट करना है, कहां पे हमने एग्जिट करना है। स्टॉक के केसेस में और ट्रेडिंग के केसेस में एक चीज बहुत डिफरेंट है कि स्टॉक में आपको अपना एग्जिट पॉइंट नहीं ढूंढना है प्रॉफिट में, आपको ढूंढना है लॉस में, और जबकि ट्रेडिंग में आपको अपना टारगेट भी पता होना चाहिए और स्टॉप लॉस भी पता होना चाहिए। यहां पे देखिए स्टॉप लॉस मैं सिंपली आपको रेकमेंड करूंगा इस स्टॉक का फिलहाल जो है वो अराउंड 900 के आसपास है। इसके दो तीन रीजन है, देखिए एक तो ये 52 वीक्स मैंने आपको दिखाया था, यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे जो 52 वीक्स का लो है वो 943 है, दैट मींस हम उससे भी 50 पॉइंट सेव करके चल रहे हैं। इन केस अगर ये यहां तक भी आता है या इससे थोड़ा सा नीचे भी आता है जहां से इसको बुलिश या बुल लोग आके खींचें, तो ये क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा और हमें सही प्राइस पे ये स्टॉक मिल जाएगा। अभी एंट्री का पॉइंट देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है 940 से लेके 1000 के बीच में, फिलहाल भी ये 50 पॉइंट्स अबे है, इसके बीच में अगर ये मिलता है तो आपको कुछ क्वांटिटी जरूर ऐड करना चाहिए ऑन योर ऑन रिस्क। और यहां पे स्टॉप लॉस भी मैंने आपको बता दिया 900 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप टारगेट की बात करें, वैसे तो आप इसको ओपन छोड़ सकते हैं, बट आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए एटलीस्ट 1200 विद द 6 मंथ और 7 मंथ, बट लॉन्ग टर्म टारगेट एटलीस्ट 1800 प्लस, आपको ये जाता हुआ दिख सकता है अगले 2 से 3 साल में। तो आराम से आपको कितना मिलने वाला है, 100% रिटर्न आपको मिल सकता है विद इन 2 to 3 ईयर्स। तो ये है टेक महिंद्रा का पूरा एनालिसिस। अब इसके अंदर आपको करना है, आपको बार बार नहीं देखना है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वीक में एक बार देखिए, और साथ ही साथ स्टॉप लॉस को माइंड में रखिए। जैसे ही आपके स्टॉप लॉस के आसपास आएगा तो आपको एग्जिट भी होना पड़ेगा, आप वेट नहीं कर सकते हैं, बिकॉज ये यहां से और भी नीचे जा सकता है और हो सकता है अगेन 600-700 पे आ जाए। तो अगर आप स्टॉप लॉस में निकल चुके हैं तो आपको और भी बढ़िया एक पोजीशन पॉइंट एंट्री का मिल जाएगा। रीजन बीइंग देखिए, ये 600-700 में कब आया था, 2015 में, 16 में, 17 में। तो क्या है, दैट मीन जिन लोगों ने 2016, 17, 18 में भी इन्वेस्ट कर रखा है तो वो भी आज इसी प्राइस के आसपास है, तो ये चीजें आपको क्लियर समझनी पड़ेगी। तो ये मेरा टोटल एनालिसिस था टेक महिंद्रा को लेके, तो आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। अगर कुछ भी आपको इसमें डाउट लग रहा है या कुछ आपको कंफ्यूजन लग रहा है स्टॉप लॉस के रिगार्डिंग, टारगेट के रिगार्डिंग या फंडामेंटल के रिगार्डिंग कि 52 वीक्स कैसे करें, पीई रेशियो कैसे करें, तो ये मैं जरूर आपको आने वाले वीक्स में बताऊंगा। अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर मेंशन करिए, मुझसे व्हाट्सएप पे भी आप क्वेरी पूछ सकते हैं स्पेशली फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो ये चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी इतना मैं उम्मीद करता हूं। तो अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, जिससे क्या होगा आपको हर एक अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। और डायरेक्टली मुझे फॉलो करिएगा टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जाते जाते मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट वीडियो या एक ट्रिक देके जा रहा हूं जिसको बोलते हैं हेजिंग, कि मार्केट के अंदर आपको हेज कैसे करना है, अपने लॉस को कंट्रोल में कैसे करना है। इनकेस सपोज करिए स्टॉक बहुत नीचे भी गिरता है तो भी आप अपने आप को सेफ कैसे कर सकते हैं, तो वो वीडियो मैं राइट हैंड साइड में आपको लगा रहा हूं, उसको जरूर देखिएगा। और वो स्ट्रेटेजी
के साथ भी आप स्टॉक में गिरते में भी प्रॉफिट बना सकते हैं, तो वो जरूर देखना, उससे रिलेटेड भी कोई क्वेरी होगा, सो डोंट हेजिटेट टू आस्क, सो आई विल वेट फॉर योर क्वेरी, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द मोर इन्फॉर्मेशन विद अनदर स्टॉक, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू.